एचपी की नेता साध्वी प्राची अपने बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में है। इस बार प्राची ने कहा कि हल्द्वानी में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड में यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, जल्द से जल्द उत्तराखंड में इनका प्रवेश निषेध होना चाहिए, सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड संतों की भूमि है और देवताओं की भूमि है, तो यहाँ पर रोहिंग्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लव जिहाद के बाद अब देश में बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। आपको बता दें कि साध्वी प्राची का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले वो ट्वीट कर हल्द्वानी अतिक्रमण की तुलना दिल्ली के शाहीन बाग से भी कर चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामला आखिर क्या है जिस पर इतना बवाल चल रहा है। हल्द्वानी में लगभग 29 एकड़ जमीन पर रेलवे ने अतिक्रमण की बात की है। 29 एकड़ की जमीन पर तकरीबन 4000 परिवार रहते हैं। इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है, आप उस पर क्या करेंगे, आप उसको कैसे डील करेंगे? लोग 50 से 60 साल से वहाँ रह रहे हैं, कोई तो पुनर्वास की योजना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप विकास के लिए हटा रहे हैं, आप सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं। रेलवे ने कहा कि ये रातों रात नहीं हुआ, नियमों का पालन हुआ है। रेलवे ने कहा कि यह मामला अवैध खनन से शुरू हुआ था। हल्द्वानी के जिस इलाके में अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह करीब 2.19 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का क्षेत्र है। रेल अधिकारियों का कहना है कि रेल लाइन से 400 फीट से लेकर 820 फीट चौड़ाई तक अतिक्रमण है। रेलवे करीब 78 एकड़ जमीन पर कब्जे का दावा कर रहा है। अतिक्रमण जमीन पर 5 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मदरसे और पानी की टंकी के साथ ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। जिन इलाकों में बुलडोजर चलना है, उनमें ढोलक बस्ती, गुफूर बस्ती, लाइन नंबर 17, नई बस्ती, इंदिरा नगर छोटी रोड, इंदिरा नगर बड़ी रोड शामिल है। 2013 में एक जनहित याचिका में कहा गया कि रेलवे स्टेशन के पास गोला नदी में अवैध खनन शुरू हो गया है। याचिका में कहा गया कि अवैध खनन की वजह से 2004 में नदी पर बना पुल गिर गया। याचिका पर कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा। रेलवे ने 1959 का नोटिफिकेशन, 1971 का रेवेन्यू मॉडल और 2017 का लैंड सर्वे दिखाकर कहा कि यह जमीन रेलवे की है, इस पर अतिक्रमण किया गया है। हाई कोर्ट में यह साबित हो गया कि जमीन रेलवे की है, इसके बाद ही लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया।